Hello dear students, so in this lecture we will discuss about advantages and disadvantages of rapid application development model, also known as RAD model. So as we have already discussed so many things, in advantage we can say that RAD model takes less time, so reduced development time. So कैन यू आंसर कितना टाइम होता है इसमें 30 to 90 days की साइकिल होती है इसमें. तो ये इतने पर्टिकुलर टाइम में आपकी प्रॉब्लम लेकर सॉल्यूशन दे देता है, डिप्लॉयमेंट में कनेक्ट कर देता है. सो सेकेंड पॉइंट है, इट इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट. मेन इसका फोकस किस पे होता है, रीयूजेबिलिटी. और ये कौन से फेज के अंतर्गत आता है रियूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट? रियूजेबिलिटी कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है, हम देख चुके हैं इसको. थर्ड है क्विक इनिशियल रिव्यू इज पॉसिबल हियर. फोर्थ इज इट एनकरेजेस कस्टमर फीडबैक. इसको समझिएगा, टाइम टू टाइम कस्टमर की तरफ से उनके आउटपुट्स, उनके बोलना चाहिए फीडबैक्स या उनके सजेशंस लिए जाते रहेंगे, है ना. ये भी एक एडवांटेज है इसका. एडवांटेज नंबर 5, इंटीग्रेशन फ्रॉम वेरी बिगनिंग. जैसे जैसे चीजें बनती जाती हैं हम इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम वेरी बिगनिंग. और ऐसा करने से हम बहुत सारी इंटीग्रेशन से रिलेटेड समस्याओं से बच जाते हैं. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम वेरी बिगनिंग विल बी एन एडवांटेज इन रेड मॉडल. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्ग टीम यहां पर बहुत बड़ी आवश्यकता है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है. सो यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग need of strong team, strong expert team की जरूरत आपको रहेगी. और हर टीम के हर मेंबर को अपनी responsibilities को अच्छे से निर्वाह करना होगा, ठीक है. Only system that can be modularized can be built using RAD. So जो जो सिस्टम्स मॉड्यूलर अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, जिनको पार्ट्स में तोड़ सकते हैं अपन, ठीक है. सो मॉड्यूलर अप्रोच को जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में मॉड्यूलर अप्रोच अप्लाई हो सकती है, वहां पर रेड अप्लाई हो सकता है, बट प्रोवाइडेड एक्सपर्ट टीम हो और डोमेन वेल नोन हो. प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जहां पर होंगी वहां पर ये एप्लीकेबल हो सकता है. Requires highly skilled developers or designers. जो जितने भी phases हैं जिसमें अपन design और development की बात करें, तो skilled manpower की आवश्यकता, जिसमें especially skilled designer and developer are very much needed. High dependency on modeling skills. यहां पर आपने देखा जो थर्ड फेज था मॉडलिंग, वहां पर अपन ने बिजनेस मॉडलिंग देखी, डेटा मॉडलिंग देखी. तो ये जो मॉडलिंग टेक्निक्स हैं इसमें स्किल्ड मैनपावर आपको चाहिए. सो हाईली, और इस पे अपनी डिपेंडेंसी रहती है, हाई डिपेंडेंसी ऑन मॉडलिंग. मॉडलिंग में हमने बिजनेस, डेटा एंड प्रोसेस मॉडलिंग हमने देखी थी और इसमें हमारी डिपेंडेंसी रहेगी. ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहां पर हमें इस टाइप के रेड मॉडल की आवश्यकता नहीं पड़ती है. तो हम ये बोल सकते हैं कि लेस एप्लीकेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स.
आप इसमें इनहेरेंटली बात करें तो कोड जनरेशन टेक्निक्स हैं, ये सब जरूरत नहीं पड़ती है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। हम जब बड़े प्रोजेक्ट में सेटअप कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें ऑटोमेटेड टूल्स की जरूरत पड़ती है और हमें कॉस्ट फैक्टर्स को बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है क्योंकि टाइमलाइन भी उसी हिसाब से हमें बाइंड करनी होती है। तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स में इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं व्हेन रेड मॉडल विल बी एप्लीकेबल। सो रेड शुड बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ सिस्टम दैट कैन बी मॉडलराइज्ड इन 2 to 3 months ऑफ अ टाइम। ऐसी कोई सिस्टम प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास हो जो 2 से 3 महीने के अंदर हमें कंप्लीट करनी हो और उसको मॉडलराइज भी कर पाए अपन, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम को देखकर नहीं बोल देना कि 2 से 3 महीने में कर देंगे, हमें उसको उसकी लेंथ भी देखनी है, हमें ये देखना है कि क्या ये वाकई 2 से 3 महीने में हो भी पाएगा, है ना। सो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर वो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इस तरह से फ्रेम हो सकता है तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। इट शुड बी यूज्ड इफ देयर इज हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डिजाइनर्स फॉर मॉडलिंग एंड द बजट इज हाई इनफ। सो दो चीजें हैं, मॉडलिंग जैसा कि मैंने बताया बहुत जरूरी है, यहाँ पर मॉडलिंग रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। अब जितना ज्यादा अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे मॉडलिंग हाई मॉडलिंग कैपेबिलिटी सेट पर उतना अपना बजट भी इफेक्ट होगा। सो इनपुट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बजट, ऐसा बोल सकते हैं अपन यहाँ। सो रेड एसडीएलसी मॉडल शुड बी चूजन ओनली इफ रिसोर्सेज विद हाई बिजनेस नॉलेज आर अवेलेबल एंड देयर इज अ नीड टू प्रोड्यूस द सिस्टम इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जब हमारे पास रिसोर्सेज और एक्सपर्ट टीम अवेलेबल होगी और जब हमारे पास 2 से 3 महीने की जो टाइमलाइन है ये भी एक रिक्वायरमेंट होगी, तब हम बोलेंगे कि वी कैन स्विच टू द रेड मॉडल प्रोवाइडेड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। चूजिंग ऑफ द रेड मॉडल इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द क्राइटेरियाज कि कौन कौन सी चीजें हैं जो होनी चाहिए, तब अपन गुड टू गो सिचुएशन में आएंगे कि रेड मॉडल से इसको कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेड मॉडल। थैंक यू।